इसलिए मैं तो अपने बच्चों से और अपनी बहू समान जो बेटियां हैं उनको भी ये कहता हूँ कि भाई कम से कम तुम जो तुम्हारे बच्चे दोस्ताना हमारा बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राम राम। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक दोस्ताना पर है, जो आज बचपन से जिससे दोस्ती होती है और वो आगे तक निभाता है उस पे ये वीडियो फिल्माया गया है। इसमें मेरे एक परम मित्र संजय पालीवाल, जो कोटा के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे साथ 1984-85 में हनुमानगढ़ में पढ़ाई की थी। उसके बाद वो कोटा चले गए और कोटा में ही उन्होंने सब कुछ पाया और पढ़ाई के बाद वो सर्विस लग गए। उन्हीं के जीवन पर यह वीडियो बनाया गया है, जिसमें नए घर में प्रवेश के साथ उनकी 25वीं सालगिरह भी इसी उपलक्ष में मनाई गई है, जिसका सारा विवरण है जो इस वीडियो में दिखाया गया है। आप लगातार इस वीडियो को देखना, इसमें आपको सब चीज़ें मिलेगी। आज जो दोस्ती और परिवार, प्यार और संस्कार जो समाज में नहीं रहा है, उसी के आधार पर इस वीडियो में बताया गया है भी संस्कार क्या चीज़ होती है और दोस्ताना या दोस्ती क्या चीज़ होती है और आगे तक कैसे निभाई जाती है। इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ हासिल होगा जानने के लिए। दोस्तों, आजकल की जो दोस्ती है, जिसके अंदर ज़्यादातर पैसा आने पर दोस्त दोस्त को पहचानता नहीं है, परिवार में सभी को भूल जाता है, फिर भी इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि हमारा जो दोस्त है वो आज भी हमें नहीं भूला है। उसने कितना भी कुछ उपलब्धियाँ हासिल कर ली, फिर भी वो आज भी दोस्ती और माता पिता और भाई बहनों को साथ लेकर चलता है और कभी भी पैसे का उसने घमंड नहीं किया। यह जो खाने का कार्यक्रम आप देख रहे हो, जिसमें नए घर में प्रवेश के समय जो नांगल की जाती है, वह उस समय दोपहर का खाना है जो सभी को वितरण किया गया है। जिंदगी के सफर में जो आपने एज उम्र जो समय निकाला है, तो आज जो आपके घर का जो मुहूर्त हुआ है, उस उपलक्ष में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि परमात्मा बहुत दयालु है, यानी कि भगवान जी का जब हम देवताओं का आह्वान करते हैं, स्थापित करते हैं और जो कुछ करते हैं, मेरे को लगता है कि बुजुर्गों का, मम्मी पापा का, है ना, इनका खूब आशीर्वाद बरस रहा है और दोस्तों का जो है स्नेह बरस रहा है। मुझे हो तो नत्थूलाल जैसी नहीं, मेरे दोस्त जैसी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर और आप देख रहे हो लक्ष्मण के वीडियो। आज का जो वीडियो है वो राजस्थान में कोटा शहर का है और कोटा शहर के अंदर मेरे आदरणीय पूजनीय अंकल जी है, जो मेरे परम मित्र संजय पालीवाल है, उनके पिताजी है बाबूलाल जी पालीवाल, जो एक आदरणीय पुरुष मैं मानता हूँ इनको, क्योंकि जो मेरे मित्र संजय पालीवाल है उस जैसे दोस्त तो काफ़ी है, पर उन दोस्तों में वो सबसे ऊपर है, जिसका मैं आपको विस्तार से तो कुछ बता नहीं सकता, पर मैं उसको कितना चाहता हूँ आप ये नहीं जानते होंगे। फिर भी मैं आज अंकल जी बाबूलाल जी पालीवाल है, उनसे कुछ आशीर्वाद के रूप में उनके कुछ शब्द मैं सुनना चाहूँगा, जिन्होंने अपने जीवन में संजय पालीवाल जो मेरे मित्र है, वो 1983-84 में मेरे साथ हनुमानगढ़ में स्टडी पढ़ाई साथ की थी, क्लास फेलो है मेरे, तभी से अंकल जी से मेरा परिचय हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे बीच में कई गैप आ गए,
अब 15 सालों से हमारा यहाँ आना जाना इनसे, तो मैं अंकल जी से विस्तार से ये पूछना चाहूँगा भी आपने कैसे और कैसे शुरुआत करके आज जो संस्कार आपने बच्चों को दिए, और संजय पालीवाल जो मेरा मित्र है उसका तो मैं ये समझता हूँ कि आपने क्या भगवान का ऐसा आशीर्वाद मिला है जो एक भगवान का रूप है मेरे लिए। तो आप अंकल जी ये बताओ दर्शकों को भी आपने ये संस्कार कहाँ से प्राप्त किए और कैसे आपने ये किया। पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो संस्कार आए वो मेरे को मेरे पूर्वजों के मिले हुए हैं, और मेरे पूर्वज स्वयं इतने संस्कारी थे कि उनकी वजह से आज उनके संस्कार हमें मिले और हमारे संस्कार बच्चों को मिले। तो मेरे परिवार में जो संस्कार आए वो पीढ़ी दर पीढ़ी उतरते आए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी मेरे बच्चों में मेरे से ज़्यादा संस्कार उदय हों। जैसे जैसे उनकी उम्र आगे बढ़ेगी उस हिसाब से उन बच्चों के संस्कार भी प्रगाढ़ होते जाएंगे। और आज मेरे सामने मेरी तीसरी पीढ़ी मौजूद है और मैंने 5 पीढ़ी देख ली है मेरे ही परिवार की। तो आगे जो मेरे पोते पोती हैं मैं चाहता हूँ कि वो अपने माँ बाप के संस्कारों पर चले, और जैसा श्री सालासर बालाजी की मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पूरे परिवार पर जो उनकी कृपा बरसती है उसके कारण आज हमारे परिवार को ये संस्कार मिले हुए हैं। अंकल जी आपने कठिन परिश्रम करके आज जो आपकी ये जो व्यवस्थाएं आई है, तो आप अपने जीवन के बारे में कुछ दर्शकों को जानकारी दो भी। आप मैं आपसे मिला था 1984 के अंदर, उसके बाद में जो इतना चेंजिंग हुई है सब कुछ संस्कार के कारण होता है, तो ये आप थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दो। इसके लिए आपने स्वयं देखा है और आपको इतने वर्ष हो गए। मैंने एक ही चीज़ अपने दिमाग में रखी थी कि मैं चाहे किसी भी क्षेत्र में रहा हूँ, यहाँ अधिकतर मेरा जो क्षेत्र कर्म क्षेत्र निकला वो आपके हनुमानगढ़ गंगानगर उसी क्षेत्र में निकला, जहाँ से मैंने आप लोगों के बीच में कई चीज़ें ऐसी प्राप्त की है जो इस हाड़ौती क्षेत्र में नहीं मिलती है। लेकिन जो गंगानगर और बीकानेर क्षेत्र और अपना हनुमानगढ़ क्षेत्र है, वहाँ के लोगों के अंदर जितना प्यार प्रेम है उतना प्यार प्रेम इस क्षेत्र में नहीं है। फिर भी हाँ, ये मेरी जन्मभूमि रही है, वो मेरी कर्मभूमि रही है, लेकिन ईश्वर ने वापस हमें हमारी जन्मभूमि की ओर मोड़ा। लेकिन मेरा जीवन में एक ही उद्देश्य रहा था कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितना आप हार्ड वर्क करोगे उसकी में आपको उतनी ही सफलता आगे से आगे मिलती जाएगी। तो मैंने कभी भी अपने किसी भी कार्य के क्षेत्र में, चाहे मैं आज सेवा के क्षेत्र में हूँ, आज उद्योग के क्षेत्र में हूँ और अन्य क्षेत्रों में जहाँ भी मैं हूँ, वो क्षेत्र सारे के सारे सेवा से अधिकतर जुड़े हुए हैं। और मेरा कर्म शुरू से ऐसा रहा कि आपके उधर भी रहा तो मैंने किसानों की सेवा की है, दुकानदारों की सेवा की है, और सुबह अपनी ड्यूटी के हिसाब से 7:30 बजे घर से निकल जाना और रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे जब भी मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलती थी मैं अपने कार्य को पूरा निपटा करके और भगवान को ये आशीर्वाद देता था कि आज का दिन आपने अच्छा निकाला, कल का दिन इससे और अच्छा निकालना। अंकल जी आप एक पूजनीय आदरणीय हो मेरे लिए, तो आप कुछ टिप्स अपने ये बताओ संस्कार के अंदर, जैसे आपने इतना संस्कार बच्चों में दिया है तो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कोई 2 शब्द बताओ कि कैसे उनको करना चाहिए। हमेशा क्या होता है कि चाहे बच्चा किसी का भी हो, जब तक उसके कहते हैं ना कि पहला बच्चे की माँ गुरु जो होती है वो माँ होती है। अगर माँ ही अपने संस्कारों को भूलेगी तो बच्चे को संस्कार नहीं दे पाएगी। इसलिए मैं तो अपने बच्चों से और अपनी बहू समान जो बेटियाँ हैं उनको भी ये कहता हूँ कि भाई कम से कम तुम जो तुम्हारे बच्चे हैं वो मेरे पोते पोती हैं, तो कम से कम उनको इतने तो संस्कार दो
कि वो आने वाले किसी भी व्यक्ति को ये समझे कि ये मेरे परिवार में भगवान की तरह अतिथि के रूप में आया है। और उसको बच्चों को भी ये शिक्षा देना चाहिए कि बेटा देखो, अपन ने जैसे आपके दादाजी ने या आपके परदादा जी ने जैसे जीवन जिया संस्कार रूपी, आप चाहे कुछ भी बन जाओ अपने जीवन में, किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाओ, लेकिन अपने पारिवारिक संस्कार को नहीं भूलो। ये शिक्षा आज के माँ बाप को देना ज़रूरी है। अगर ये शिक्षा वो अपने बच्चों को नहीं दे पाते तो वो बच्चे ज़रूर मतलब भटक जाएंगे। धन्यवाद अंकल जी, आपने जो जानकारी दी वो हमारे लिए पूजनीय बातें हैं जिसका अमल हर बच्चों को करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को भी करना चाहिए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे बेटे तुल्य मान लो, भाई तुल्य मान लो, और मैं तो आपके बीच में रहा हूँ, इसलिए आपने मेरे कर्म को देखा है, मेरे बच्चों को देखा है, हमारे संस्कारों को देखा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप कम से कम 900 किलोमीटर से चल करके श्री हनुमानगढ़ से कोटा आए और मेरे बच्चों के और मेरे परिवार की खुशियों में शामिल हुए। ये मैं अपने संस्कारों के दम पे कह सकता हूँ कि भाई कम से कम हमारे बच्चों को ऐसे संस्कार थे कि उन्होंने जिससे भी अपनी आत्मीयता जोड़ी वो व्यक्ति हमेशा मेरे परिवार को नहीं भूलेगा और मेरे परिवार के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। धन्यवाद अंकल। दोस्तों, मेरे पास जो मेरे परम मित्र संजय पालीवाल कोटा के रहने वाले हैं, तो मैं वहाँ आया हुआ हूँ, तो मेरे पास उनकी मम्मी जी बैठे हैं, तो उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे। तो आंटी जी, आप ये बताओ भी आपने बच्चों का इतना ख्याल रखा है और इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, मेरे जीवन में मैंने ये पहला परिवार ऐसा देखा है जिसके अंदर इतने संस्कारों से भरा हुआ है, और लोगों के पास पैसा आ जाने के बाद पहचान भूल जाते हैं लोगों को, पर आपका तो अब मैं बता रहा था अभी 1984 से आपसे जुड़े हैं, तब मैं आज में तो दिन रात का फर्क है, फिर भी आपने हमारा और सबका ख्याल रखा है, तो इसके बारे में आप बताओ भी ये संस्कार आपने कैसे और कैसे मतलब बच्चों को दिए। क्या हमारे पियर में जो परिवार चल रहा है वो शुरू से ही आए का स्वागत ज़्यादा करते हैं, तो चाहे बच्चे पढ़ने वाले कोई से भी हों, चाहे अपने हों, चाहे उनके दोस्त हों, वो सब बेटे समान होते हैं, तो उनको उनके साथ जो आते हैं तो वो अपना ही मान के उनको वैसे करते हैं, रखना करना, भाई ये अपना ही बेटा है। सभी तीनों बेटों के दोस्त होते थे, दोनों सभी आते थे हनुमानगढ़ में, सब एक जैसे ही भाई भाई को मानते थे और उनकी। दोस्तों, जो मैं आज कोटा के बारे में बात कर रहा था, जो मेरे परम मित्र संजय पालीवाल है, तो आज मैं आपकी उनसे मुलाकात कराऊँगा, जिनके घर का नांगल था, नव ग्रह प्रवेश था, उस उपलक्ष में हम यहाँ कोटा आए थे। तो मेरे परम मित्र संजय पालीवाल जो मेरे काफ़ी घनिष्ठ मित्र है, और इनके बारे में मैं ज़्यादा आपको कुछ बता नहीं सकता, वो मेरा दिल और आत्मा जानती है भी ये मेरे लिए क्या है क्या नहीं, ये मैं जानता हूँ या ईश्वर जानता है या संजय पालीवाल जानता है। तो मैं आपका परिचय संजय पालीवाल से कराता हूँ जो मेरे परम मित्र है। तो भाई संजय, दर्शकों को कुछ जानकारी दो। किस प्रकार की जानकारी दूँ मेरे दोस्त? जो भी आपको उचित लगे, हम आपके पास यहाँ जो नांगल के प्रोग्राम में आए और हम और भी दोस्त साथ आए थे, और अपने जीवन में 1983 के अंदर अपने एक साथ पढ़ाई की थी, तब से अपनी मित्रता जो आज तक चली आ रही है, उस परंपरा के बारे में और आपके जो संस्कार जो अंकल जी से मिले हैं, जो आज एक मित्रता के रूप में मैं जिसको मैं मानता हूँ, काफ़ी दोस्त काफ़ी मित्र मेरे को मिले, पर मेरे जीवन में जो मित्रता आज एक संजय पालीवाल जो मेरे मित्र हैं, जिनसे मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ, तो उनसे भी कुछ आप जानकारी ले। सभी को नमस्कार। जो भी बंधु इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण याद आने चाहिए,
मैं आपको मित्रता जो भाव है ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, तो मुझ में कहाँ से आया या मैंने कहाँ से इसको प्रसाद के रूप में परमात्मा से पाया, तो दो जगह ऐसी मुझे दिखाई देती जहाँ से इस भाव का मेरे में पोषण हुआ और फिर पल्लवन पुष्पित हुआ और फिर फलित भी हुआ। किस प्रकार से, एक तो सुदामा और कृष्ण, भगवान कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता मेरे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि परमात्मा जब किसी से मित्रता करते हैं तो किस हद तक उसको निभाते हैं। तो एक तो मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली कि मित्रता ही ऐसा भाव है जहाँ कोई रिश्ता नहीं बनता आपका। आज मेरे भाई हैं तो मेरी माँ के उदर से पैदा होकर के वो सहोदर बने। मेरे गुरु ने बताया कि सहोदर भी सिर्फ उस व्यक्ति को मिलता है जीवन में जिसके पूर्व कर्मों के जो संस्कार हैं, पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं वो इतने ज़्यादा सदकर्म होते हैं कि उन्हें आने वाले जो जन्म होते हैं उनमें उन पूर्व जन्मों के किए हुए सदकर्मों के फल के रूप में भाई मिलता है, सहोदर सगा भाई मिलता है। और उसकी फिर कितनी कदर करनी चाहिए ये सबको समझने की आज के कलयुग में इस दौर में महती आवश्यकता है कि वो समझे। हमें समझ में थोड़ा थोड़ा आया तो आज हमारा परिवार काफ़ी बड़ा हो गया है ना, और सब आत्मीयता से, मैत्री भाव से, भ्रातृत्व भाव से सब अच्छे से रहते हैं। सब बहुएँ, माता पिता, चाचा चाची सब साथ में हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई इतना बड़ा परिवार है। हालांकि मैं विवेकानंद जी को भी काफ़ी मानता हूँ, तो वहाँ वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है वो अपने आप में बहुत कुछ अपने में समाहित करती है, अपन उसको भी फॉलो करते हैं। तीसरा जो मेन है दोस्ती का, दोस्ती कहो मित्रता कहो, ये मेरे पिता से आया। मेरे पापा जी ने अपने दोस्तों के साथ में जिस प्रकार से मैं अपनी मित्रता को परमात्मा तुल्य मानता हूँ, मेरे पापा भी ऐसे ही मानते रहे और आज भी मानते हैं। वहाँ से मेरे में ये संस्कार आए मेरे पिता से कि मित्रता एक ऐसा भाव है जिसमें आप अपने परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति से आत्मीय भाव में आते हैं और फिर आपका फर्ज होता है कि आप उस आत्मीय भाव को किस हद तक निभाते हैं, वो मैत्री भाव है। मित्रता वैसे देखा जाए तो मित्र में भी कुछ गुण भी होते हैं, कुछ अवगुण भी हर व्यक्ति में होते हैं, लेकिन मित्रता के साथ, मित्र के बारे में कहीं मैंने पढ़ा कि मित्र अपने अवगुणों के साथ भी मित्र है। अगर मित्र में कोई अवगुण है ना तो आपको वो नहीं देखने, उसके वो कौन से गुण हैं जो आप में इजाफा ला सकते हैं आपके व्यक्तित्व में, सिर्फ वही आप वहाँ आप, और जो उसके अवगुण हैं उनको मिनिमाइज करने का, उनको खत्म करने का एक मित्र को प्रयास करना चाहिए कि मेरे मित्र में गुणों की वृद्धि हो और अवगुणों का ह्रास हो, क्षीण होते चले, वो नष्ट हो जाए, और उसमें भी जो सत्भाव हैं उनकी वृद्धि हो और स्वयं में भी हो। तो इस प्रकार से परस्पर होकर के दोनों मित्र अच्छे भावों में चलते हुए चलते हैं। यही सोच कि भगवान श्री कृष्ण और मेरे पिताजी, यहाँ से मैत्री भाव खूब मुझे ऐसे संस्कार मिले और उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ इस जीवन में कि उनको मैं निभा पाऊँ। तो मुझे लगा कि मैंने परमात्मा को राजी कर लिया। ये भाव हैं और इसी भाव में जी रहे हैं। लक्ष्मण भाई धन्यवाद भाई, बहुत अच्छे सब मुझसे, जो भी मेरे दोस्त जिनको मैंने आत्मीयता से अपना माना, मैंने उनको दोस्तों को मैंने परमात्मा के तुल्य माना, इसलिए मुझे वहाँ से कुछ मिलना ही मिलना है, प्रसाद मिलना मुझे तो दोस्तों से है ना इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अपनी तरफ से मुझे डालना है, होम करना है, हवन करना है, बस इतना पता है, बाकी सब परमात्मा के खेले हैं, वो खेलते रहेंगे। धन्यवाद भाई, आप सब लोग आए, काफ़ी मेरे मित्र, आपने देखा होगा जब प्रोग्राम रहा, आपने वीडियो बनाई थी लक्ष्मण भाई, आपने देखा कोटा में भी, यहाँ भी हनुमानगढ़ से आए, कोई टोंक से आए, कोई कहाँ बाहर से, तो खैर मेरे मित्रगण आए से ही, सब पत्नी का आए, अपने परिवार के साथ आए। तो यहाँ से कोटा से आना स्वाभाविक है, चलो ठीक है, जिन ऑफिसेज में मैं रहा वहाँ से आए तो ये उनका बड़प्पन है कि इनको मेरे मित्रों का आना और उनका मुझसे परिवार से हृदय से मिलना और शोभा बढ़ाना आयोजन की, गजब का आनंद रहे, जो सबको सबने देखा ही, आनंद लिए ही है कल परसों में, अच्छा आयोजन रहा, सब जिन मित्रों को बुलाया वो सब आए, मेरे परिवारजन, मेरी माता जी, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हमारी बहुएँ, भाई, चाचा चाची, सब हमारे मित्रों से मिलकर बहुत खुश हुए, खूब गदगद हैं, हम खूब आनंदित हैं, खूब मस्त हैं, खूब आनंद कर रहे हैं, ये वाली बात है लक्ष्मण भाई। दोस्तों जो लक्ष्मण भाई की मूछें
हम तो इन मूंछों के ही वो कायल हैं। दोस्तों, जो मेरे मित्र है संजय पालीवाल, यहाँ कोटा में जिला परिषद के कोषाधिकारी के पद पर ये कार्यरत है, और इनका जो स्वभाव है काफ़ी मिलनसार है, हर व्यक्ति से, दोस्तों से तो आप पूछो ही मत, मैं क्या बताऊँ इतना है, और हर आदमी से इनका लगाव है, इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। भाई, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, है ना, हमें तो आपका मैत्री भाव चाहिए बस, वो बना रहेगा, वो आपकी मूंछों से भी झलक रहा है, है ना। ठीक दोस्तों, मेरे परम मित्रों में छोटे लाल जी भी हमारे मित्र है, जो हमारे साथ हनुमानगढ़ में पढ़े थे, और आज भी हमारी दोस्ती है जो बरकरार है, तो इनसे भी कुछ जानकारी लेंगे दोस्ती के बारे में, जो आज यहाँ कोटा में संजय पालीवाल जो हमारे मित्र है उनके नांगल के प्रोग्राम पे हम पधारे, तो इनसे भी कुछ छोटे लाल जी आप भी कुछ जानकारी दो। नमस्कार सभी दर्शकों को, साथियों, आज हम कोटा आए हुए हैं, हमारे बचपन के साथी संजय पालीवाल जी का मकान का मुहूर्त था, और शादी को 25 साल पूरे हुए थे, उसकी भी खुशी मनाई गई, बड़ा ही आनंद लिया। अभी मैं दो दिन पहले, थोड़ा तबीयत ख़राब है थी मेरी, दुर्लभ जी जयपुर में भर्ती था, और मेरा आने का भी कोई चांस नहीं लग रहा था, लेकिन दोस्त ने याद किया कल अभी तेरे को आना ही पड़ेगा, और नहीं आएगा तो मैं चल के आ जाऊँगा, तो मैंने कहा भी उसका कोई भरोसा नहीं है, वो सारे काम छोड़ के यहाँ जयपुर भी आ सकता है, तो मैंने कहा भी नहीं, पक्का है मैं आऊँगा ज़रूर कोटा, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। तो आज कोटा पहुँचे, बड़ी खुशी हुई, अच्छा प्रोग्राम रहा, बड़ा आनंद आया, और जैसे लक्ष्मण जी ने बता ही दिया था दोस्ती के बारे में, तो मैं ज़्यादा क्या कहूँगा कि ये समझ लो कि दो जिसमें एक जान है, और एक गाने के अल्फाज के साथ हम अपनी दोस्ती का आगाज करेंगे। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो सवालों की रातें, जवाबों के दिन, कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवान, हुए हम जवान, था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। भंवरलाल जी पालीवाल है जो जोधपुर से आए हुए हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे भी। आप भंवरलाल जी यहाँ आए हो, आपको कैसा लगा? यहाँ आके हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि बाबूलाल जी जो हमारे रिश्ते में मामा जी लगते हैं, इनका प्रेम, इनका स्नेह, ये देख के हम बहुत खुश होते हैं, तो हम उनके प्रेम की वजह से दो दिन पहले आ गए। मेहमान तो सेम उसी दिन आते, हम प्रेम की वजह से दो दिन पहले आए, और आज वापस जा रहे हैं, तो इनका स्वभाव व्यवहार इतना अच्छा है कि हमें रोज़ मतलब याद रहते हैं। और इनके साथ मैंने 2014 में हमारे समाज की पाली में बहुत बड़ी भागवत कथा हुई थी, समाज का एक समारोह था 10 दिन का, तो उसके बाद उसमें और उसके बाद जो स्नेह मिला, प्यार मिला है, वो आज तक निभा रहे हैं। उसमें भागवत कथा समिति के अध्यक्ष सुधीर जी, जो हमारे समाज के बहुत बड़े भामाशाह और उद्योगपति है, वो थे, मैं महामंत्री था और आप कोषाध्यक्ष थे,
तो हमारा तीनों का इतना अच्छा उसके बाद चल रहा है ये प्रेम स्नेह, जो बहुत खुशी की बात है। समारोह में जगदीश जी पालीवाल जोधपुर से आए हुए हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे। तो पालीवाल जी, आप बताओ, जोधपुर से आप इस परिवार में, इस समारोह में आए हो, तो इस परिवार के बारे में आप कुछ बातें हैं और कुछ जानकारियां दे हमें। ये हमारे क्षेत्र फलोदी के जो 36 खेड़े हैं उसके अंदर गांव पड़ता बाप, ये पहले से बाप के रहने वाले हैं, और बाप के अंदर हमारे समाज के अंदर ये जो मुख्य चौधरी बोलते हैं वो चौधरियों का गांव है, और इनों का ही बसाया हुआ गांव है, और उस गांव के अंदर बहुत बड़ा एक मेघड़ा सा तालाब है। वो आज वहाँ पे कोई ज़माने में उस तालाब को देखने के लिए हमारे देश के प्रधान इंदिरा गांधी जी भी आई थी। उस गांव के चारों तरफ उस तालाब से 20-25 गांव पानी पीते थे, और उस गांव को ऐसी व्यवस्था देख करके इंदिरा जी भी खुश हो गई थी, और वो तालाब इन लोगों के वंशजों ने भी, वो परिवार वालों ने बनाया, और ये चौधरियों का परिवार बसता है। चौधरी जो समाज के अंदर मुखिया होता है उसी को चौधरी बोलते हैं, और वो संस्कारिक होता है इसीलिए उसको मुखिया चुना जाता है। तो उनको परंपरा से ही मुखियों के संस्कार है, और उसी संस्कारों से इनों की जो परिपाटी चलती आ रही है, और वो संस्कार चलते चलते आज इनों के बच्चों, पोते, भाई, जितने भी जान संबंधी बैठे हैं वो सब उसी संस्कार में आगे बढ़ते रहें। ऐसे संस्कार जो भी इनों के हम भी रिश्तेदार हैं, तो संस्कारों से हम परिचित होते हैं और खुशी होती है, तो ऐसे संस्कार हम भी लें और हम और दूसरे समाज वाले भी सीखें, ताकि उस समाज के अंदर भी उन्नति हो। तो आज जो हमारे बीच में मौजूद हैं, बरसों पहले जब 1996 जब मेरी पोस्टिंग, सेकंड पोस्टिंग हुई ट्रेनिंग के बाद हनुमानगढ़ में इरिगेशन में, इंदिरा गांधी नगर प्रोजेक्ट में, तो वहाँ सुल्तान सिंह जी नाम के व्यक्ति ठेकेदारी किया करते थे। मुझे नहीं पता था मेरे जीवन में कि गुरु कहाँ से मिलेंगे, कैसे होगा, क्या कुछ है। ये गुरु अभी भी हर बीमारी, व्याधि आदि के बावजूद भी जरूर आएगा, और गुरु जी पधारे और हम धन्य हो गए सारे। मैं चाहूँगा कि मेरे गुरु जी के जो का जो आशीर्वचन है वो मुझे फिर से मिले, और आप सब लोग भी उससे उद्भूत हों गुरु जी को। नमस्कार दर्शकों, ये पालीवाल जी जो हैं, ये इनमें बड़े जन्मजात से ही अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार मिले हुए हैं, और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो मार्गदर्शन आपस में जब मिलते हैं, आत्मा मिलती है, मन मिलता है, प्रेम भाव बढ़ता है, तो फिर किसी में कभी कोई थोड़ी बहुत भूल चूक होती है तो उसको दूर किया जाता है। तो इन्होंने हमारी कभी कोई बात की तो उसकी उन्होंने बहुत ही उसको महत्व दिया, और बहुत ही अच्छी तरह से। तो आज ये मतलब इन बातों को ध्यान में रखते, अपने दिल में रखते हुए आज इन्होंने अच्छी तरक्की पाई है, और अच्छा इन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है, और हर खुद के समाज से भी दूसरे समाज में भी इनका अच्छा मान है, सिर्फ ये इनमें सद्गुणों की वजह से ही। तो ये सद्गुण आने हर आदमी में बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मार्गदर्शन की जरूरत है। मार्गदर्शन कहीं से मिले वो ले लेना चाहिए। तो ये हमारी आप अभी आशीर्वाद की मुठार है, और ऐसे ऐसे ही फले फूले रहो, हमेशा ही सह परिवार हैं। ठीक, धन्यवाद।